पहलियां कौमां जिहड़ियां दो नंबरियां करन वालियां जिन्हां ने अल्लाह नूं नाराज कीता मलावतां कीतियां किसे ते अल्लाह ने पत्थरां दी बारिश बरसा दित्ती किसे नूं अल्लाह ने जानवर बना दित्ता आ दुनिया ते मलावटां करन वालिया किते जनाबे मिर्चां दे अंदर धूड़ पाउण वालिया किते दो नंबर एक नंबर चीज दे नाल मिलाउण वालिया किते दुध दे अंदर पानी पाया जा रिहा है ना ना मेरे वीरा इन्हां कम्मां तों बाज आ जा सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा बिस्मिल्ला الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز دے رہے آئے رمضان روزے دار آواز دے رہے آئے رمضان روزے دار پھر تازہ کر لو ایمان روزے دار آواز دے رہے آئے رمضان روزے دار افطاری سحری ویلے افطاری سحری ویلے کہندے نے اے فرشتے بخشش دا ہو گیا جے سامان روزے دارو بخشش دا ہو گیا جے سامان روزے دارو برکت نے لالے نے تیرے زمین تے برکت نے لالے تیرے زمین تے رحمت دا ہو گیا جے اعلان روزے دارو رحمت دا ہو گیا جے اعلان روزے دارو آواز دے رہے آئے رمضان روزے دارو ہر ایک گناہ دی توبہ سچے دلوں جے کریے ہر ایک گناہ دی توبہ
जे सच्चे दिलों है करिए राह जिंदगी दे होंदे आसान रोजेदारो राह जिंदगी दे होंदे आसान रोजेदारो आवाज तेरे आए रमजान रोजेदारो फिर तार कर लो अपने ईमान रोजेदारो हम दो सना दे तमाम मोतरो मुतहर कलमात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक दी अकेली तन्हा जाते आला उबाला वास्ते जो सारी कायनात दा पालनहार है बख्शनहार है बिगड़ियां बनाउन वाला है गुनागारां नूं माफिया देन वाला है उस अल्लाह वहदहु ला शरीक दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हां कि या अल्लाह जिस तरह साडे नसीब दे अंदर रमजान उल मुबारक दे दूसरे अशरे दा पहला जुमा सानू अता फरमाया अल्लाह इसे तरह सानू रोजा रखन दी तौफीक अता फरमाई या खालिक मालिक अल्लाह साडे गुनाहां नूं माफ फरमा दे दरूदो सलाम पैगंबर कायनात आमीना दिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते आला उबाला वास्ते बख्शिशो मगफरत दी दुआवां सहाबा इकराम वास्ते तबाईन वास्ते तबा तबाईन वास्ते और खसूस बिल खसूस दुआ करो मेरे समेत साढ़े जो किसी दी वालद वालदा एक या दोवें अगर इस दुनिया फानी तो रुखसत कर गए ने दुआ करो साढ़े मां बाप दी कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए मैनू भाई बिलाल ने वालदा वास्ते दुआ दा किया जिन्हें इत्थे असीं बैठे हां खसूस बिल खसूस साडियां मावां अगर दुनिया तो चलियां गईयां ने अल्लाह साडियां मावां दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए हज़रत जी वकार अल्लाह दी ज़ात जितना भी शुक्र कीता जाए ते रब दे असीं शुक्र गुजार और अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां नेमतां दा शुक्र अदा नहीं कर सकदे बल्कि मैं इंज कहांगा रमजान नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ए बड़ा करम फजल और रहमत है कि मेरे अल्लाह ने तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे अंदर रमजान नूं लिख दिता अगर असीं रमजान दे एक रोजे नहीं बल्कि एक सहरी या एक अफतारी दा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिए जिंदगी खत्म हो सकती है पर रब दियां इन्हां नेमतां दा शुक्र अदा नहीं हो सकदा हजरत मोहतरम अपने अल्लाह नाल अगर अल्लाह साडे ते इतने फजल और करम कर रहा है अल्लाह साडे नाल इन्नी मुहब्बत कर रहा है ईमानी तकाजा और मुहब्बत दा ए आलम होना चाहिदा है मुहब्बत दा भी साडी मुहब्बत दा भी ए तकाजा होना चाहिदा है कि असी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म नूं मन्नीए रसूले कायनात इमामे कायनात इमामुल मुत्तकीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बातां ते अमल करे असी रमजान दे रोजे रखदे हां अल्लाह जिन्हां नूं तौफीक दित्ती है बड़े चावां दे नाल लोग उमरे दी सआदत भी हासिल करदे ने हज भी करीदा है ज़कात भी दिंदे ने लोग रमजान दे अंदर सदका तो खैरात आम रूटीन नालों ज्यादा सी अदा करीदा दुआ करो अल्लाह जितने मैं अमल बोले ने अल्लाह सानू करने दी भी तौफीक अता फरमाए हजरत मोहतरम जदों असीं कुरान दा मुतालिया करिए ते इक बात साफ ते शफाफ लफ्ज़ां दे नाल कुरान और हदीस ने सानू बयान फरमाई है अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਗਸ਼ਾ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਜ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹਜ ਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਤਰਾਨੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਇੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਤਫਫੀਫੀ ਅਲਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਕਤਾਲੂ ਅਲਨ ਨਾਸੀ ਅਸਤਗਫੂਰ। ਆ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਤਫਫੀਫੀਨ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹਲਾਕਤ ਨਾ ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਤਫਫੀਫੀਨ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤੀਵਾ ਪਾਰਾ ਉਠਾਓ, ਸੂਰਤ ਮੁਤਫਫੀਫੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਬ ਕੱਟ ਤੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਕੱਟ ਤੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ
अंदर चले जाओ किते प्याज देन वाला प्याज दे अंदर कमी पिया करदा है किते आलू वाला कमी पिया करदा है ना ना मेरे वीरा अज नाबे वाला जेड़े तू रोने पिया रोना है ए जनाब सारा दिन मंडी मेहनतां करी दियां ने सारा दिन मंडी गुजार देईदा है मगर पूरी नहीं पैंदी ना ना मेरे वीरा जदों अल्लाह दे नाल बंदा चंगा करे उदों पूरियां पूरियां नहीं पैंदियां जे तो बंदा अल्लाह दियां ना फरमानियां करे जदों अल्लाह दे नाल मुकाबले करे अल्लाह फरमाउंदे ने वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लाह फरमाउंदे ने हलाकत उहनां बंदियां वास्ते ए जिन्हां ने जनाब वटे कट रखे ने अल्लाह फरमाउंदे ने हलाकत उहनां सब्जी फरोशां ते हलाकत उहनां आलू फरोशां ते हलाकत उहनां प्याज फरोशां ते हलाकत उहनां वास्ते जड़ा फल दा काम कर देने मगर नाप तोल दे अंदर कमियां कर देने वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लजीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून आ ईमान वाले अगर तू ए जाना है अल्लाह तेरे खजानियां दे अंदर अल्लाह तेरे खजानियां दे अंदर इजाफा फरमा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे ते नेमतां निछावर कर दे आ मेरे वीरा अल्लाह दे कुरान ते गौर कर ले अगर तू ते मैं नाप तोल दे अंदर कमियां कर दे ते सारी जिंदगी लगा रहे तेरे माल दे अंदर अदाफा साढ़े पैसे पूरे नहीं हो रहे असी जनाबे वाला घाटे जा रहे बंदा को भला बंदा मशवरा देता है दो नंबरी कर ले दो नंबरी कर लिया खालस दे अंदर थोड़ा जा मिलावट कर लिया कर अगर जनाबे वाला चंगी गंदम में एदे अंदर मिलावट करके माड़ी पा लिया कर अगर चंगे चावल ने विच टोटा पा लिया कर हुण ते तरह तरह दियां मिलावटां कड लईयां आ मेरे मुसलमान वीरा अगर अज असी ए अमल करदे आ अज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आके तौबा कर लै कि या बारी ताला अगर अल्लाह असी मंगणा है ते तेरी बारगाह चो मंगणा है अल्लाह घाटियां नूं पूरा करन वाले तुसी हो अल्लाह खजानियां दे अंदर अदाफे करन वाले तुसी हो आओ जरा अल्लाह दे कुरान दा दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बकरा दे अंदर आयत नंबर 268 दे अंदर अल्लाह की फरमाउंदे ने आ जिहड़ा शैतान तेरे ते मेरे दिल दे अंदर पाउंदा है शैतान तेनू ते मैनूं कहिंदा है अश्शैतान यईदुकुमुल फकरा आ जरा इस आयत ते गौर कर लै इस आयत ते जनाबे वाला पहले मफहूम ते गौर कर लै अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यईदुकुमुल फकरा जड़ा बंदा कारोबार बिजनेस करता ना ते घाटा पै जाए ते शैतान ओदे दिल च वहम पैदा करता वसवसे जिन्ने असी बैठे जेड़े कारोबारी लोग ने कई बारी वसवसे दिल च पैदा होंदे ने कि हाय तेनू घाटा पै गया ते कोठियां कित्थों बनाए बंगले कित्थों बनाए ए तां तू लुटिया जाए अल्लाह अल्लाह दा कुरान अल्लाह नू तुहाडे ते मेरे पैदा होण तों पहले पता सी तुहाडे ते मेरे पैदा होण तों पहले पता सी मेरा अल्लाह जानदा सी कि जेड़ी मैं आखरी नबी दी उम्मत पैदा करनी उहनां नू शैतान मेरे रब दा की है हैं जी खुला दुश्मन असी रब दी नहीं मन्नी जेड़ा रब दा ते तुहाडा मेरा दुश्मन है असी ओदी मन ले ओदी मन के नतीजा की निकलिया दुनिया ते मेरे वीर जे माल कमा भी लेंगा ते कल कयामत दे रोज रब नू की मुंह विखाएगा की मुंह विखाएगा आ जरा गौर कर अल्लाह दे कुरान ते आओ मुसलमानो जरा गौर कर दे जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अश्शैतान यईदुकुम الفقر ए शैतान दे जनाबे वाला पीछे ना लगी ए शैतान जेड़ा तेरे दिल दे अंदर वसवसा पैदा करदा है कि अगर जनाबे वाला तेनू घाटा पै गया लुटिया जाएगा अगर घाटा पै गया ते मालो जर लुटिया जाएगा तेरियां कोठियां दा की बनेगा तेरियां बंगलियां दा की बनेगा तेरी जनाबे वाला कारां दा की बनेगा तेरियां अयाशियां दा की बनेगा तेरी औलाद दा की बनेगा तेरियां
जमीना ते जाए दादा की बनेगा। ना ना मेरे वीरा अगर दुनिया ते माल कमा भी लवे दुनिया ते कोठियां कारा बंगले बन भी जान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की जवाब देगा। अज दुनिया दे उत्ते अगर मिलावटा करेगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रुसवा हो जाएगा। आ दुनिया ते मिलावटा करन वाले आ किते जनाबे मिर्चा दे अंदर धूड़ पाउण वाले आ किते दो नंबर एक नंबर चीज दे नाल मिलाउण वाले आ किते दुध दे अंदर पानी पाया जा रहा है। ना ना मेरे वीरा इन्ना कम्मा तो बाज आ जा सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। ना ना मेरे वीरा दुनिया दिया दौलता ये दुनिया दा माल सारा कुछ दुनिया ते रह जाएगा अगर जनाबे वाला तेरे नाल कोई शह जाएगी ये तेरे नेका माल तेरे नाल जानगे। आ जरा मेरे पैगंबर कायनात आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी दे सीना मुबारक ते कुरान नाज़िल होया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्रा व यअमुरुकुम बिल फहशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फिरतन व मिनहु फज़ला। अल्लाह दे कुरान ते गौर कर लै अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तू मिलावट नहीं करेगा हर चीज नु खालिस पेश करेगा अगर जनाबे वाला दो नंबरियां छेगा अल्लाह फरमाते ने वल्ला हु यईदुकुम मग़फिरतन मिनहु व फज़ला। फरमाउंदे ने जदों तू दो नंबरी नु छड़ेगा शैतानी वसवसियां तो दूर आ जाएगा मैं अल्लाह तेरे ते फजल भी फरमावांगा तेरे माल नु दुगना कर देंगा तेरे थोड़े माल दे अंदर बरकतां पा देंगा। फरमाया तेरियां मगफरतां भी फरमा देंगा। फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम मैं अल्लाह वुसता जानदा वा मैं मोहीतुन खबीरा मैं समीओ बसीरा मेरी बारगाह दे अंदर आ जा। आ जरा मेरे इमाम उलंबिया मिलावट करन वाले आ तेनु मैं इमाम उलंबिया दी बारगाह दे अंदर लै चलना। मेरे इमाम उलंबिया ने मिलावट करन वालिया नु पैगाम दिता है ना दो नंबरी करन वालिया नु पैगाम दिता है ना। आ जरा मेरे पैगंबर कायनात दा पैगाम सुन दे जाना अल्लाह दे नबी अली सलाम ने फरमाया एक दिन मेरे नबी जनाबे वाला तजारत खाने चले गए ए जनाबे वाला मंडी दे अंदर चले गए। आ दो नंबरियां करन वाले आ मेरे नबी दा पैगाम सुनदा जा अल्लाह दे नबी जनाबे वाला एक ताजर दे करीब चले गए ने जा करके मेरे इमाम उलंबिया ने अज करके अपना हाथ मुबारक एक बोरी दे अंदर पाया ए जनाबे वाला उत्ते सुक्का ते थल्ले गिल्ला पिया है ना। अल्लाह दे नबी दा जदों हाथ लगा है ना ते मेरे पैगंबर दा पैगाम सुन लै ओ चावल ते गंदम वेचन वाले आ ओ मिर्चा ते दूध वेचन वाले आ मिलावटा करन वाले आ। आ जरा तू अज अपनी मुसलमानी लई फिरदा है ना तू रमदान दे रखे रोजे भी रखी जाएगा मगर तेरे रोजे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं होणगे। ए जनाबे वाला ज़कातां भी दित्ती जाना है ते धोखे करी जाना है मिलावटा करी जाना है अगर ओ माल दे नाल तू ज़कात अदा करेगा अल्लाह तेरियां ज़कातां कबूल नहीं करेगा अल्लाह तेरे फतरानियां नु कबूल नहीं करेगा अल्लाह तेरियां अफतारियां कबूल नहीं करेगा अल्लाह तेरियां हजां नु कबूल नहीं करेगा अल्लाह तेरियां उमरियां नु कबूल नहीं करेगा अगर तू मिलावट वाले धोखे दे नाल माल कमा के अमल नेकी दा करेगा अल्लाह तेरा अमल तेरे मुंह ते मार देंगे। आ जरा ईमान वाले आ जेड़ा मेरे नबी अलैहि सलाम दा पैगाम सुन लै अल्लाह दे नबी अली सलाम ने फरमाया ए जदों बोरी दे अंदर हाथ मारिया उत्ते सुक्का ते थल्ले गिल्ला माल पिया है ना अल्लाह दे नबी अली सलाम ने फरमाया बुलाओ उस माल वाले नो ए माल किदा है ना कौन वाला नबी दी बारगाह दे अंदर आया। आ करके अर्ज करदा है सोहणिया महबूबा ए माल मेरा है आज ते आ मुसलमाना कलमा पढ़िया ई रोजा भी रखिया ई ते दो नंबरियां भी करी जाना है मार्केटां दे अंदर दो नंबर माल भी बेची जाना है फिर अगर तू अल्लाह दी बारगाह च गिले करे अल्लाह मेरी सुनदा नहीं वो मेरे वीरा जेड़ा दो नंबर बंदा है ओदियां रब कदी भी सुनदा
अगर तू मिलावट करने वाला है, अगर जनाबे वाला नाप तौल दे अंदर कमियां करने वाला है, अगर जनाबे वाला कपड़े दे अंदर चंगे धागे दे नाल माड़ा चला के चलाई जाना है, ये जनाबे वाला लैण वाले नूं पता लगे या ना लगे मेरा रब ते जानदा है, मेरा अल्लाह ते जानदा है, ए जिहड़ियां तू दो नंबरियां करदा है मेरा अल्लाह जानण वाला, मेरे अल्लाह नूं पता है तू जनाबे वाला किन्ने पिक कट चलाए ने, ए केड़ी केड़ी शह दे अंदर केड़ी केड़ी मिलावट कीती है ना। मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया कि ऐ तजराए जिहड़ा माल तू फरोख्त पिया करदा है, ए जिहड़ा खरीदार है ना ओनू दसना है, अगर जनाबे वाला तुहानू ना दसिया कि उत्ते जनाबे वाला सुका माल पिया है थले जनाब गिला है, अगर तू लैन देन दे मामले च उन्हों ना दसिया ते अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे पैगंबरे कायनात ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, ते तू साडे विचों नहीं तू बेईमान, तू ईमान वाला बणी नहीं सकदा। नबी पाक ने फरमाया कि अगर तू ये दो नंबरी नाल जड़ा माल पिया वेचदा है ना वरना वधाउण वास्ते ए जिहड़ी तू गिल्ला माल थले लाता के मिलावट कीती पानी दी या सलाबिया माल थले ला के वजन नु वधा के ते बहुते पैसे वटण लगा है, अल्लाह दी कसम तू ईमान तो खारिज हो जाए, ईमान वाला ही नहीं रहेगा। जरा असी गौर करिए असी अल्लाह नाल किन्ना क प्यार करदे हां, किन्नी कल्ला नाल मोहब्बत करदे हां, अल्लाह साडे नाल इन्ना प्यार करदे ने, अल्लाह ने तुहानू ते मैनू ओ महीना अता फरमा छड्या जिस महीने दे अंदर मेरे मौला ने जन्नत दे दरवाजे बंद कर दिते, जन्नत दे दरवाजे खोल के खुला ऐलान कर दिता, ए ईमान वालिया रोजे रखी जा, दो नंबरियां छड्डी जा, मेरे कोलो माफियां मंगी जा, मैं रब गफूर रहीम हां तेरियां सारी ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਈਦ ਲਾਉਣੀ ਏ ਓਏ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾ ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਫਰਿਸ਼ਤੇ अल्लाह दे कोलो डर जा अज साडे माशरे दे अंदर जेड़ा बहुत बड़ा गुनाह जिन्नू गुनाह ही नहीं समझया जांदा भाई लोकी दुध दा रेट ही नहीं भरदे ओ नहीं भरदे ते तू दस अगले नूं कि भाई मैनूं इस रेट च वारे आ अगर खरीदना है ते ठीक नहीं ते ना सही बोल लगे 110 रुपए किलो दूध 150 रुपए 40 रुपए किलो दूध पानी पाई जा कितना बड़ा जुर्म कितना बड़ा मिलावट करना किसी भी शय सिर्फ दूध च नहीं किसी भी शय च मिलावट करना कितना बड़ा जुर्म आओ जरा गौर करना आओ मुसलमानों जरा गौर करना इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जनाबे वाला अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल किया एक दोधी बंदा एक दोधी जनाबे वाला दूध च पानी पाउण वाला एक गवाला जनाब दूध च पानी पाउण वाला दूध च पा के लोगों नूं वेची जा रहा बेची जा रहा है एक दिन जनाबे वाला सैलाब आया ओदियां मज्जां गावां सारियां रुड़ गईयां ए जनाबे वाला बेटा बाप दे करीब आया आ मेरे वीरा जदों तू अल्लाह नाल मुकाबले करेगा जदों तू मुलावटा करेगा जदों तू नाप तोल दे अंदर कमियां करेगा जदों तू दो नंबरियां करेगा जरा कदी रब दा कुरान पढ़िया कर कदी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दे वाक्य नूं पढ़िया कर पहले नबियां दियां कौमां ते
ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜਿਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਲਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਏ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਏ ਕਦੀ ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਲਾਵਟਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਬਾਹਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੱਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਭਰ ਪਾਇਓ ਗਈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਦ ਕਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਦਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਲੋ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਏ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਏ ਨਾ ਇਹ ਮਈਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਏ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਏ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਸਿਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਫਨਾਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ
बिन अब्बास ने फरमाया ओ मेरे ओ यारो सजनो बेलियो काफले वाले ओ कबर कड्डो तेनु विच दफना दियो। काफले वाले कहन लगे अगर सप निकले ते फेर की करिए। ओ यार मेरे वीर जरा गौर करना अगर साडे माशरे दे अंदर ऐब पाया जा रहा है, अगर तेरे ते मेरे वीर भरा दे अंदर ऐब पाया जा रहा है, अज ते दुनिया ते तेनु कंडा चुबे। ए जनाबे वाला अपनी अम्मा जानु जा करके दसदा है, अपने वीर भरावां यारां बेलियां नु दसदा है। जरा तसव्वुर दे नाल जरा अखां दे अगे कबर दा नक्शा लै करके आ, दिल दे अंदर जनाबे वाला कबर दा ख्याल लैके आ। जदों तू ते मैं कबर दे अंदर दफनाए जावांगे, अगर साडे अंदर बुराइयां पाईयां जाण गईयां, अज ते दुनिया ते कमरे दे अंदर सप आ जाए, असी रौला पा देने आ, भैण भरा उठ के आ जांदे ने कबर दे अंदर। तेरियां ते मेरियां पुकारा सुन वाली, ना ते मां होणी है ना बाप होणा है ना वीर भरा होणे ने, उत्ते कम किसे शै नहीं आउणा। अगर किसे शै ने कम आउणा है तेरे लिए कमला ने कम अगर तेरे ते मेरे अज ये कमल नहीं, अगर अज तू ते मैं बुराई दे अंदर मिलावट दे अंदर शुमार आ, ते अज मेरे वीरा अल्लाह दे कोलो तौबा कर लै, अल्लाह दे कोलो माफियां मंग लै। अल्लाह सोणिया असी बड़े खताकार ते बड़े सियाकार आ, अल्लाह तेरी बारगाह दी अंदर आ जाना साडा कम ए, ते माफ फरमा देना सोणिया रब्बा तेरा। ते मेरे अल्लाह दी रहीमी कितनी है ना, शायर ने किड़ा खूब जुमला कह दिता के एक गुनाह हो मेरा मां प्यो वेखे, हो लख गुनाह हो मेरा मां प्यो वेखे। आ मुसलमाना जरा अज अल्लाह दे कुरान ते गौर कर ले, शायरा ने अपनी जुबान दे अंदर, रब ने अपने कुरान दे अंदर तेनू ते मैनू समझाया है के एक गुनाह हो मेरा मां प्यो वेखे, ते देवे देस निकाला ते लख गुनाह परदे पावन वाला ते रहमत दा हो दरिया इलागी, ते हर दम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा हो मौला बख ते कम बन जावे साडा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इनू जा करके इंज दफना दियो, अगर सप निकले सपां दे नाल ही दफन कर दियो। ए जनाबे वाले काफले वाले चले गए, जा करके कबर खोदीए, फिर जनाबे वाला अंदरों जदों सप निकलिया ए मैयत नू दफना दिता है। जदों जनाबे वाला दफनाउण तों बाद बंदियां दे दिल दे अंदर ख्याल आया कि यार पता ते करिए एडा गुनेगार बंदा केड़ा है, ए केड़ा अमल करदा है जिदी वजह तो अल्लाह ने इनू एडा सख्त अजाब दिता है, अल्लाह ने इना सख्त अजाब नाजल फरमा दिता है। ए जनाब चलदे चलदा काफला दे घर दे अंदर चला गया, ते जा करके दरवाजे दी कुंडी खड़काई, अंदरों एक बीबी दी आवाज आई कौन है, जवाब मिलिया सी फला काफले वालिया, ते बीबी फला नामी बंदा साडे नाल काफले दे अंदर सी, ते अरू परवाद कर गई दुनिया तो टुर गया। जरा बीबी तेरे कोलो सवाल कर दे आ, जरा ए ते दसना तेरा बंदा ओ कितना बड़ा जुर्मदार सी, केड़ा गुनाह करदा सी। सारा मामला जदों दसिया ओ मेरे मुसलमान वीरा ओ सिद्धूपुरे दे अंदर आउण वालिया, अज इस बात
जवाब दिता खरीदो फरोख्त करदा सी बड़ा वड्डा ताजर सी चंगा माल घर ले आउंदा सी ते माड़ा माल मिक्स करके बेच देंदा सी ए जनाब जुर्म मिलावट वाला करदा सी जिस वजह तो अल्लाह ने एडा वड्डा अज़ाब मुसल्लत अज असी सोचिए असी अल्लाह दी कसम दुनिया ते रह के कदी सोचिया ही नहीं कब्र दे अंदर जाना है मरना है एक रमजान आया है पता नहीं अगला रमजान तेनू ते मेनू नसीब होना है कि नहीं नसीब होना है अज अल्लाह दी कसम अल्लाह दी बारगाह च आ जा जदों इफ्तारी दा वेला हुंदा है ना रब सारे पर्दे हटा देंदा है मेरा अल्लाह फरमाउंदा है ऐ मेरेया बंदिया तू मेनू राजी करन वास्ते रोजा रखिया मेरी इताअत तो फरमा बरदारी कीती मेरेया बंदिया मेरे कोलो मंगदा जा मैं रब तेनू अता फरमांदा मगर शर्त की अल्लाह दे कोल सच्ची तौबा कर लो अल्लाह दे कोल माफी मांग लो अल्लाह दे कोल रो रो के असि दुनियादारा कोल यार किवें जाके रोने चाचे ताए को एक भरा अमीर एक गरीब है ना ते गरीब जाके बड़े रोने रोंदा हैं ओ मेरे आ भरावा मैं मर गया मेरे बच्चे भूखे ने मेनू कुछ दे दे अल्लाह दी कसम ओ देवे ना देवे मेरे रब दी बारगाह च जदों तू आंसू दा एक कतरा कढ़ना है ना तेरी झोली च बाद च जाना मेरे अल्लाह ने तेरे ते पहलो फजल फरमा मगर अल्लाह दे नाल वादा कर ले की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्ला हक तुकातिहि वला तमूतुन्न इल्ला मुस्लिमों अल्लाह फरमाते ने मेरे को डर जा जिमे डरन दा हक है तू मेरे को डर के मेरी बारगाह च आके रो के मेरे को मंगेगा मैं रब तेनु अता फरमा देंगा साडा मामूल की सहरी ते इफ्तारी ए मेरी बात नु नोट कर लेना अल्लाह दी कसम सहरी ते इफ्तारी टाइम असि की करदे आ खान पीन दे इंतजार च बीबियां घरां दे अंदर कम्मां कारां दे अंदर मसरूफ ने पकवाई वाला काम दस्तरखान वाला काम बंदा 15-20 मिनट पहले बिछा के बैठ जाए पता है इफ्तारी करनी है फिर इफ्तारी वेले बैठ के ना रब को रो के दुआ करया करो अपने टब्बर च फैमिली च बैठ के ना इफ्तारी टाइम अल्लाह दे कोल दुआ करया कर अगर तेनू को लंबियां चौड़ियां अरबी दियां दुआवां नहीं ना होंदियां अल्लाह दी कसम मेरा ते रब ओ जेड़ा पश्तो च भी सुनदा मेरा रब अरबी च जुबानी और अल्लाह दी कसम जुबान ते नहीं भी तू दिल दे अंदर सोचदा जा दिल दे अंदर रब कोलो मंगदा जा मेरा रब तेनू अता मगर अल्लाह नाल वादा कर ले अल्लाह नाल वादा कर ले के या अल्लाह मेरे आज तो बाद मैं मिलावट नहीं करांगा आज तो बाद गुनाह नहीं करांगा आज तो बाद कोई ऐसा काम नहीं करांगा अल्लाह सुनया जिदे नाल तू नाराज हो जाए जदो तू अल्लाह नाल वादा करेगा मेरा अल्लाह तेनु अता फरमाएगा मिलावट की वजह तो ठाडियां जुबानां च जेड़े लफ्ज़ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਛੜੀ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਇਮਾਮੁਲ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਦੋ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲਦੇ ਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ
आप ने जनाबे वाला एक गवाले नु देखया एक दोती जनाबे वाला मिलावट पिया करदा है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ए किड्डा वड्डा जुर्म पिया करदा है, तू नबी दी हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि जनाबे वाला ए बहुत बड़ा जुर्म है ना, ए बहुत बड़ा गुनाह है ना, मेरे वीरा मिलावट ना कर, ए दो नंबरियां नु छड़ दे, अगर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जाना चाहना है आ मेरे वीरा जदों अल्लाह दे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा ने इन्नी गल कीती है ना, हजरत अबू हुरैरा दीयां अखां चो आंसू आ गए, आपने दारो कितार रोना शुरू कर दिता। जदों आप दारो कितार रोए एक वाला आके सवाल करदा या अबू हुरैरा तुहाडियां अखां च क्यों आंसू आ गए, आप फरमाउंदे ने तू एडा वड्डा जुर्म पिया करदा है, तू नबी पाक दी जुबान चो नहीं सुनिया। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मिलावट करन वाला है वो साडे चो नहीं, ते तू मिलावट करी जाना है मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म है कल कयामत दा रोज होएगा, आ मिलावट करन वाले आ दुनिया ते तेरा छुटकारा नहीं होना, ए ना समझी दुनिया ते महल विच आ पैसे कले दी अंदर पाए जाके खजाना खरीद लिया, ना ना मेरे वीरा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह को ताला अन्हु ने फरमाया कल कयामत दा रोज होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़े मिलावट करने वाले ने ना ये जेड़े दोती ने इन्हां नु कहेगा ओ दोती ओ जरा इधर आ जाओ, ये जदों अल्लाह दे करीब चले जाणगे अल्लाह जनाबे वाला इन्हां दे सामने ओ दुध रखेगा जेड़ा दुध दुनिया ते वेचदे रहे ने, ओ जेड़े दुध दे अंदर पानी पाउंदे रहे ने, अल्लाह दुनिया दे उत्ते जेड़ा बंदा चौलां दे अंदर मिलावट करदा रहा है, जेड़ा बंदा गंदम दे अंदर मिलावट करदा रहा है, जेड़ा बंदा कपास दे अंदर मिलावट करदा रहा है, जेड़ा बंदा खाण पीण दी अशिया दे अंदर दुनिया ते मिलावट करदा दुनिया तो टुर जाएगा कल कयामत दा रोज होएगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ओ मिलावट करन वाले अगर ते ए ताकत तू रखना है ना, कल जदों अल्लाह दी बारगाह च मेरा अल्लाह तेनू कहेगा कि जनाबे जिहड़ी दुध दे अंदर पानी पाया ई पानी नू अलैदा कर ते दुध नू अलैदा कर क्या तू कर सकदा है, अगो जनाबे वाला हाथ जोड़ के खलो गया ते अर्ज कर जाए या अबू हुरैरा अहमद इमाम अल मुहद्दिसीन ने कम ते नामुमकिन ना, फरमाया फिर छड़ दे अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मिलावट करन वाला है ओ ईमान वाला अल्लाह अल्लाह दी कसम तेनू ईमान दी सलामती भी देगा, अल्लाह तेरे रुतबियां नू दुनिया ते बुलंद करेगा, ए जिहड़ियां मेरियां मावां पैणा मिलावट करन वालियां ए घरां दे अंदर दुध जनाब मिक्स करके देण वालियां अशिया दे अंदर एक नंबर ते दो नंबर मिलाउण वालियां वास्ते भी पैगाम है, आ मेरे वीरा जरा मैं तेनू हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे ज़माना मुबारक दे अंदर लै चला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह को ताला खुदा मामूले ना आप जनाबे वाला सुबह सरगी वेले उठ दे तहज्जुद वेले अपनी रियासत दे अंदर नजर मार दे अपने इलाकियां दे अंदर जा करके नजर मार दे, आप जनाबे वाला लोगां दा मुआयना कर दे, आ मुसलमान वीरा अगर तू अल्लाह दे नाल वादा कर ले कि अज तो बाद मिलावट ते दो नंबरी नाप तोल दे अंदर कमियां नहीं करांगा मेरा अल्लाह तेनु कितना बड़ा इनाम देगा, हजरत उमर चलते जा रहे ने चलदिया एक दरवाजा आया एक घर आया घर दी चार दीवारी चो दो बीबियां दी आवाज पई आउंदी है मां ते बेटी दी आवाज पई आउंदी है दुआ करना मैं आमीन कहना अल्लाह सोणिया, ओ जिहड़ी नौजवान बीबी दी उस घर चो आवाज आई है अल्लाह साडे दिलां दीआं आवाज़ां वी ओहदे नाल बणा दे, अल्लाह मेरे माशरे दीआं बीबियां भैणां दीआं आवाज़ां वी ओही बना दे, ए हजरत उमर फारूक चलते जा रहे ने चलदियां मां बेटी नूं कह रही नी धीए दुध धो लै बकरियां दे थण साफ करके दुध चो लै, इधरों जनाबे वाला बेटी ने जनाब दुध चोया मां ने सवाल कीता ओ शहजादीए ए जिहड़ा दुध चोया ए पूरा है कि कल नालों घट्ट, अगो जनाबे वाला बेटी ने जवाब दिता नी अम्मा
कल दुध ज्यादा सी अज दुध घटे ना। आ ईमान वाले आ मैं दुआ करदा अल्लाह तेरे ते मेरे ईमान दा जज्बा बधाउण वास्ते। इस वाक्य तो अगे कोई गल नहीं, अगर ये वाकया तेनू ते मैनू समझ ना आया मैं ये समझांगा सी ईमान वाले ही नहीं। अगर ईमान वाला बनना चाहना है ते मेरा वीर अज दी गल ते गौर कर लै। अज दे जुमे दा आखरी पैगाम मैं तेनू देण लगा। ना ना मेरे वीरा इस गल तो ना डरिया कर कि अगर मैं दो नंबरी ना कीती माल च कमियां आ जाण गईआं। अल्लाह दा कुरान गवाह फरमाया अश्शैतान यईदुकुमुल फकरा। ए जनाबे वाला ए शैतान दे वसवसे ने कि अगर तुसी दो नंबरी नहीं करोगे ते महल दे अंदर कमियां आ जाण गईआं। अश्शैतान यईदुकुमुल फकरा। ए शैतान दीआं जनाब बगैरतीआं ने, ए शैतान दीआं हड दरमियां ने तेनू ते मैनू ईमान तो दूर करन दीआं जनाबे वाला कि अगर तू मिलावट नहीं करेगा, अगर दुध च पानी नहीं पाएगा, अगर मिर्चा च दो नंबरी नहीं करेगा, अगर चौला च दो नंबरी दाने च दो नंबरी नहीं करेगा ते जनाब फकीर ते गरीब बन जाएगा। अल्लाह दे कुरान ते गौर कर ले। अल्लाह फरमाते ने अश्शैतान यईदुकुमुल फकर व यअमुरुकुम बिल फहशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फज़ला। फरमाउंदे ने ना ना ईमान वाले आ ओ मेरे आ बंदे आ दो नंबरियां छड़ दे मलावटा छड़ दे मेरे अल्लाह कुल खजाने ने। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा बिगैरी हिसाब। मैं रब दे कुल खजाने दियां कुजियां ने। ओ बंदे आ मलावटा तू छड़ दे मैं रब तेनों बेहिसाब अता फरमा। आओ जरा मैं तुहानू अपने वाके वल लै चला। हजरत उमर ने जो इन्ने कलमा सुने ने मां बेटी नू कह रही नीतीए अगर दुध तुहाडे ते दुध दे विच पानी पा लै। अगर बेटी ने जवाब दिता नी अम्मा तू उमर दा पैगाम नहीं सुनिया के दुध च मिलावटा नहीं करनिया, नी अम्मा तू नबी दा पैगाम नहीं सुनिया। जदों जनाबे वाला इन्नी गल कीती ते मां ने जवाब दिता जिहड़ा अज तेरा ते मेरा जो अज तू ते मैं कह देने आ असी जनाबे कल्ला ले कह देने आ केड़ी गल ए ना। मां ने धी नू जवाब दिता नीतीए उमर केड़ा वेंदा पिया है। अगो धी ने बड़ा ईमानी जुमला बोलिया वो मुसलमान आ अपनी दिल दियां तख्तियां ते लिख लै अल्लाह तेनू ते मैनू ऐसियां भैणां अता फरमाए अल्लाह तेनू ते मैनू ऐसियां बेटियां अता फरमाए। अगो धी ने जवाब दिता नी अम्मा अगर उमर नहीं वेंदा ते उमर दा खुदा ते वेखदा है ना उमर दा रब दा वेंदा पिया है ना। हजरत उमर खलोते ने आप दा सुन के दारो की तार रोन लग पे वापस चले गए मुसलमाना। ओ केड़ी बल्ले बल्ले केड़ियां दो नंबरियां केड़ियां मिलावटा। ए जनाब सुबह दा सूरज तलू होया ए जदों हजरत उमर दी कचहरी लगी ए जनाब जेड़े भी मसाइल पेश होए सारे आ गए। हजरत उमर ने निशानी ला दिती ओ जदों सुबह कचहरी लगी फरमाया जाओ चले जाओ फलाने घर दे अंदर जेड़ियां दो मावां तियां ने उन्हां नूं लै के आ जाओ। जदों जनाबे वाला बीबियां आ गईयां आ करके कचहरी दे अंदर खलो गईयां मिलावट करन वालिया ओ गैरत कर लै मेरे आ वीरा मेरी भैणे गैरत कर लै। आ वेखना अगर तू मिलावट तो रुकेगा अगर तू मिलावट तो दो नंबरी तो रुकेगी अल्लाह किन्ना अजर देगा। हजरत उमर ने जदों कचहरी लगी बीबियां नू बुला लिया ते मावां तियां आ गईयां। हजरत उमर ने महा नू पुकारिया हजरत उमर कहन लगे नी बीबी तेरी धी जवान है ओ मेरा पुत्र जवान है मैं जाना वा तेरी धी दा रिश्ता अपने अब्दुल्ला बिन उमर नाल करवा अपने अब्दुल्ला बिन उमर दे नाल करवा। बीबी नू चा चढ़ गए के मेरी मेरी जनाब बेटी दा रिश्ता अब्दुल्ला बिन उमर वक्त दे खलीफा दे पुत्र दे नाल हो जाना है। ए जनाब रिश्ता हो गया आ वेखना किस वजह तो होया। ए जनाब दुल्हन अपने घर आ गई अपने खावत दे घर दे अंदर आ गई। ए जनाब हजरत उमर ने उसे नेक बीवी नू बुलाया अब्दुल्ला बिन उमर दी बीवी नू बुलाया। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दे सहाबी ने फरमाया
ए मेरी तीए जदों मैं सुबह तहज्जुद वेले उठ के जाना वा ओ ईमान वाले आ जरा गौर ते करना ओ तू गुनाह करी जाना है कदी दिल दे अंदर ख्याल नहीं आया कि मेरा अल्लाह देख रहा है कदी तेरे दिल दे अंदर डर पैदा नहीं होया ओ की तो नंबरियां बाजार दे अंदर खड़ा जनाब आ चंग रोड तेरे गुलामा बहाद रोड दे उते ओ नाप तोल दे अंदर कमियां करी जाना है ओ पावे तू तसलियां दे थल्ले वटे ला ले मेरा अल्लाह ते मुहीतुन खबीरे ना मेरा अल्लाह ते समीओ बसीरे ना मेरा अल्लाह ते वेखण वाला है पावे तू अपने जनाब गोदाम दे अंदर चला जाओ सारे दरवाजे बंद करके दो नंबरियां शुरू कर दे ए मेरा अल्लाह तेनू वेख रहा है मेरे अल्लाह दे इलम तो अख तो तेरी कोई भी हरकत जनाब परा नहीं हो सकती हजरत उमर ने अपनी नौ नू कोल बुलाया ते आपने फरमाया नी अब्दुल्ला बिन उमर दी ये बीवी है जदों मैं तहज्जुद वेले उठ के लोगा दे कोल जावा ते तू मैनू एक लफ्ज याद करा देना है तू रोजाना तहज्जुद वेले मैनू एक गल कहनी है जेड़ी गल ओदन रह तू कही सी ए जनाबे वाला नौ सोरे नू कहन लगी अबू जान जरा दसो ना केड़ी गल कहनी है सिर्फ मैनू ए नहीं गल कहनी अगर उमर नहीं वेंदा ते उमर दा रब ते वेख रिहा है अगर उमर नहीं वेखदा उमर दा रब ते वेखदा है जदों तू एनी गल मैनू करेगी जदों मैं फैसले करांगा ते फैसले अल्लाह तो डर के करांगा ए मेरे वीर ईमान बना ला तू केड़े ईमान दे डंडके पेली जाना है रोजे भी रखी जाना है मिलावटा भी करी जाना है अज अपने अंदर चाती मार अपने कारोबार दे अंदर चाती मार ए दुनिया दा माल मेरे वीरा दुनिया ते रह जाना अगर नाल जाएगा या तेरी मेरी नेक औलाद अगर बाद चो दुआ कीती हो जाएगी या नेक अमल जानगे अज अल्लाह दी बाहर गज दुआ कर ले या बारी ताला एनी नी छत दे आ मालिका अज तक जिन्ने भी गुनाह कीते ने अल्लाह जान बुझ के कीते या भुल के कीते अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ फरमा दे अल्लाह दी कसम अल्लाह ने गरीब घराने गरीब घराने दी जेड़े दुध बेच के गुजारा करदे ने अल्लाह ने वक्त दे खलीफा दी नौ बना दी अब्दुल्ला बिन उमर दी नौ बना दी हैं ते अज दा मुसलमान दो नंबरियां मिलावटा एडे जोशो खरोश नहीं जा रहे कि चल कोई नहीं चल कोई नहीं जड़ी गल है दुनिया ते नाम ते कम आ जाएगा मेरे वीरा कल कल रब दी बारगाह च की जवाब देगा अल्लाह नु की जवाब देगा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया रब तुहानू कल नु कहेगा मिलावटां करन वालेओ ले दुध हुण अलहदा करो ते पानी अलहदा करो इन्नी गल जदों हजरत अबू हुरैरा ने कीती ते गवाला को कहन लगा ए अबू हुरैरा दुध चो पानी ते अलहदा नहीं हो सकदा बंदा बहाना ही ला सकदा ते रब दी बारगाह च बहाना चलना अगर ते साडे कोले दा हल मौजूद है ते फिर करी जाओ अगर एदा हल मौजूद नहीं ते मेरे वीर अपनियां नमाज़ां रोजे हज ज़कातां इन्हां नूं खराब ना करो ए रमज़ान दा महीना जे अज दे जुमे दे अंदर खास तौर जदों असीं मस्जिद दे अंदर खड़े होने आ ना ए ना सोचिया कर मौलवी छेती छेती नमाज मुकम्मल करे ते मैं घर नूं जावां ए सोचिया कर कि तू उस रब दी बारगाह च जवाना अ जिहड़े मेरे नौजवान इस फिकर च हुंदे ने कि साडे यार बेली साडा इंतजार पे करदे ने इस नीयत दे नाल नमाज पढ़िया कर कि पता नहीं अगला जुमा साडे मुकद्दर दे अंदर होना या नहीं होना जदों इमाम दे नाल तू पढ़दा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम ते जदों तू पहुंचदा अल्लाह दी कसम फखर करया कर कि रब ने तेनु अपने नाम लैन दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ गो हां कि अल्लाह इस रमजान नु तुहाडे मेरे वास्ते जरिया नजात बनाए और अल्लाह जितनी जिंदगी बाकी है अल्लाह गुनाहों तो बचने दी और सच्ची तौबा करने दी तौफीक अता फरमाए व मा तौफीक